So hey guys, welcome back to my channel. My name is Vinayak Madar and you are watching Do It My Way. चलिए शुरू करते हैं। जो लोग, जो प्राणी, जो भाई बंधु मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, I request them to please subscribe my channel because ये मुझे बहुत ही ज्यादा बूस्ट देता है, जो कि मुझे अच्छी अच्छी वीडियोस एंड अच्छा अच्छा कंटेंट बनाने में हेल्प करता है। So I request you to please subscribe my channel once again. And आज हम क्या बात करेंगे, जो भी पांच क्वेश्चन, ऐसे कॉमन पांच क्वेश्चन जो हमें हमेशा एक ही इंटरव्यू, अलग अलग इंटरव्यू, किसी भी इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, या वो केबिन क्रू की हो, या वो होटल्स की हो, या वो किसी भी फील्ड में हो, ऐसे पांच क्वेश्चन यार इतने कॉमन होते हैं जो आपको हर जगह पूछे जाते हैं। सो आज हम ऐसे बात करेंगे, हर एक क्वेश्चन को एक डीपली बात करेंगे एंड उसका मैं अपना आइडिया, अपना निचोड़ बताऊंगा, जिसके थ्रू मैंने हर इंटरव्यू को क्लियर किया। मैं ये नहीं कहूंगा कि यू हैव टू कॉपी मी, आई विल से पिक दोस पॉइंट्स जो आपको रेलिवेंट लगते हैं, वही पॉइंट्स उठाइए, राइट। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, दिस इज द फर्स्ट टाइम मैं आपके सामने एक लैपटॉप लेकर आ रहा हूं, ताकि मैं लैपटॉप में कुछ पॉइंट्स लिखे हैं उसको अच्छे से रेलिवेंट कर सकूं और अच्छे से समझा सकूं, राइट। कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी, बिकॉज आई एम ऑल्सो ह्यूमन बींग आफ्टर ऑल, आई ऑल्सो यू नो फॉरगेट फ्यू points which needs to be described in front of you, which needs to be, you know, explained properly. So first question which is mostly asked, ki tell me about yourself, right? So इसमें क्या होता है, आपको पहला आंसर ये बोलना होता है, आपको पहला क्वेश्चन ये पूछा जाता है, और अगर आप एक क्वेश्चन का आंसर अच्छे से ना दे पाए, पूरे इंटरव्यू की टोन खराब हो जाती है। सो आई वॉन्ट कि आपको अच्छे से चलना है, राइट। दिस इज, दीज क्वेश्चन आर मोस्टली फॉर द फ्रेशर्स। अगर एक्सपीरियंस भी इससे कुछ लेना चाहे, प्लीज, दे आर मोस्ट वेलकम, राइट। सो मैंने आपको जैसे बताया कि इसमें आपको टोन संभाल के रखनी है, कि आप जिस तरह आंसर देना स्टार्ट करते हैं, पूरा इंटरव्यू इसी पे निर्धारित होता है, इसी पे बेस रहता है, राइट। सो सेकेंड इज, वॉट यू हैव टू स्पीक मेनली, इसमें आपको अपने बारे में, अपने एजुकेशन के बारे में बताना है, एक्सपीरियंस इफ यू हैव, अगर फ्रेशर्स के बाद एक्सपीरियंस ऑब्वियसली नहीं होता, दे कैन ऐड देयर यू नो वोकेशनल ट्रेनिंग, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग एंड व्हाट सो एवर, जो अगर कुछ और उन्होंने एक्सपीरियंस लिया है, राइट। तो उसमें आपको फैमिली के बारे में बताना है, मेनली वेयर आर यू फ्रॉम, सो दीज आर द मेन थिंग्स विच नीड्स टू बी यू नो इन्फॉर्म टू द इंटरव्यूअर। सो और मेन चीज क्या है, कीप इट शॉर्ट एंड क्रिस्प। सो आपको कैसे बताना है, फॉर एग्जाम्पल, अ वेरी गुड मॉर्निंग, अ वेरी गुड आफ्टरनून, माई नेम इज विनायक मदान, आई एम फ्रॉम हुशियारपुर विच इज लोकेटेड इन पंजाब, माई फादर इज अ गवर्नमेंट ऑफिसर इन पंजाब नेशनल बैंक एंड माई मदर इज अ होममेकर, मोर ओवर आई एम ओनली चाइल्ड ऑफ माई पेरेंट्स and I have just finished my class 12th. अगर आपको क्लास के बारे में बताना है, फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 12वीं पास की, आपने ग्रेजुएशन की है, सो यू हैव टू टेल विद योर मार्क्स इफ यू वॉन्ट टू, बट अगर आप कोई एक्सपीरियंस लेकर बैठे हैं और आप जॉब कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल, आई हैव जस्ट फिनिश्ड माई ग्रेजुएशन इन होटल मैनेजमेंट विद 60% विद 80% ऑफ मार्क्स, और आई एम करंटली वर्किंग इन इंफोसिस एज फैसिलिटी एग्जीक्यूटिव, आई एम रियली फॉन्ड ऑफ playing cricket and PlayStation games because that soothes my mind. I always love to learn new things at any given point of time. So guys, what you can learn from here is, agar jaise jaise maine koi point banaye hain, usko maine thoda sa tone high karke bola. For example, a very good morning, my name is Vinayak Madan. Vinayak Madan ko maine highlight kiya because this is my name and I want the interviewer to listen to this. I am from Hoshiarpur and which is located in Punjab. So these are the things you have to speak in such a way कि उनको पता लगे, उनको सुन जाए। अगर उसका ध्यान नहीं भी है ना, तो उसको एकदम से क्लिक हो कि उसने कुछ आवाज ऊंचा करके बोला, उसने टोन थोड़ी सी हाई की है, that means something needs to be highlighted. If you remember, जब आप पढ़ते हो या पढ़ते थे, आप हाईलाइटर यूज करते हो, रेड कलर, पिंक कलर, ग्रीन कलर, येलो कलर, उसका मतलब क्या होता है, आप हाईलाइट कर, जब भी आप उसको रिविजन करोगे, आप उस, आपका ध्यान उस पर जाना चाहिए। सो सेम वे, यू नीड टू हाईलाइट योर पॉइंट, यू जस्ट नीड टू पिक द, यू जस्ट नीड टू इंक्रीज द टोन। सो गाइस, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई शुड बी हायर यू, ऑब्वियसली हर कंपनी पूछना चाहेगी, और अगर आप कोई कंपनी को रन कर रहे हैं, तो मेनली क्वेश्चन आप हर बंदे से ये पूछोगे, भाई मैं तुम्हें लूं क्यों, रीजन क्या है, ऐसा क्या है तुम्हारे में कि आपको मैं अभी सिलेक्ट कर लूं और अभी रिक्रूट कर लूं। सो इसके दो पॉइंट्स हैं, दो टाइप ऑफ आंसर आप दे सकते हो, पहला एंड दूसरा। पहला ये है कि एज आई एम फ्रेश, आई हैव थ्रेटिकल नॉलेज एंड आई कैन डू हार्ड वर्क फॉर माई ऑर्गेनाइजेशन और फॉर योर कंपनी and I will put all my efforts for the good progress of the organization. Being punctual, I can finish my work given on time and try my best to fulfill all the needs of the company which is expected from me. So this is the first and this is not that, you know, a good one, because main isse, mera isse dil nahi bhara, right? The second is the best answer which you can give to the interviewer in any of the, you know, interview.
Honestly speaking, apart from my skills or my talent, one of the reasons to hire me is that my sincerity and my dedication towards the work. Being a fresher, I know it may take some time to adjust in your organization, but I promise you that if I get selected, I'll always give my best to the organization or your company. So it gives you very, you know, very good answer, and usko ek pata lag jayega ki is bande mein sincerity bhi hai, dedication bhi, usne acche acche words bhi use kiye, and obviously usne sach bataya ki obviously har banda jab nayi company mein jata hai usko thoda na thoda time lagta zarur hai, chahe wo kitna acha banda ho, because environment ne ghulna, har bande ke sath coordination banana, har bande ke department ke bare mein pata lagna, so it takes time. So he or she told that I will obviously take a bit of time to adjust in your company, but if I get selected, I will give my 100 or 200%. So this is the best answer which I think so. बाकी आप इसको झोल मोल कर जैसे मर्जी घुमा फिरा के अच्छे से आंसर बोल सकते हैं. So guys, the third comes, why you want to work with us? हमारे साथ काम क्यों करना चाहते हो? पहले क्वेश्चन था हम आपको क्यों लें, अब क्वेश्चन है कि आप हमारे साथ काम क्यों करना चाहते हो. इसमें भी दो पहलू हैं. एक पहलू आपको जो मैंने सोचा है कि इसको आप बना घुमा फिरा के आधा बोलो, इसके इसमें आप अपना स्टफ ऐड करो, अपना मैगी का मसाला ऐड कर दो, जैसे मर्जी करके आप अपना इसको बना सकते हैं. सेकंड वुड बी जो मैंने अपनी लास्ट इंटरव्यू में बोला था एंड दैट वाज सक्सेसफुल, एंड वो मेरा इमीडिएटली एट द स्पॉट निकला था, मैंने कोई रिहर्सल करके नहीं किया था, ट्रस्ट मी. सो गाइस, नाउ वी विल टॉक अबाउट व्हाई यू वांट टू वर्क विद अस. द फर्स्ट इज दैट as a fresher, this is a good opportunity to start my career and utilizing my skills. But being a fresher, I also want a platform to expose my talents and enhance my skills by acquiring knowledge in a reputed firm like yours. And I want to be one of the responsible persons for the growth of the company. So this is an answer जो आपको थोड़ा सा professional लगेगा. I know रट्टा ही मारना पड़ेगा इसको, बट आप रट्टा मारने से अच्छा इसमें ऐसे ऐसे पॉइंट्स याद रखिए जिसको आप थोड़ा सा घुमा फिरा के उस पॉइंट पे बोल देते हो, बट उस पॉइंट पे ऐसा ऑरा हो जाता है, ऐसा टाइम होता है कि आप रट्टाफिकेशन नहीं चला सकते. सो प्लीज ऐसा रखिए जो दिल से आपका निकल के आंसर बाहर आए, क्योंकि इंटरव्यूअर इतने स्मार्ट होते हैं, उनको पता होता है कि भाई ये रट्टा मार के आए या किसी और लड़के ने ये सेम और लड़की ने सेम आंसर बोला था उससे पूछ कर आया, राइट. सो सेकेंड इज माई फेवरेट जो मैंने प्रैक्टिकली यूज किया, व्हाई यू वॉन्ट टू वर्क विद अस. I have number of friends who are working with your organization and I have seen the level of change in them, both professional and personal. So I would like to enhance my skills so that I can secure my coming future. Also, you can add that I also want to give my family a secure future, because I know if I get into this organization, I will enhance both professionally and personally. So guys, this is a way you can speak, because आप उनको example दे रहे हो कि मेरे बहुत colleagues थे, जैसे मैंने उनको बोला कि मेरे जेट एयरवेज के colleagues थे, वो अब दूसरे आपके international airlines में काम कर रहे हैं and they are working quite fine and I've seen the level जो इतना ऊपर गया है and I was quite shocked, I was quite stunned कि क्या मैं कर सकता हूँ, can I challenge myself and can I be in your company? So आप ऐसे भी उनको समझा सकते हो, right? So next is how much salary you expect. Guys, हर इंटरव्यू में पूछा जाएगा, इंटरव्यू केबिन क्रू की हो, कोई भी इंटरव्यू आपको पूछा जाता है. वो ये नहीं होता आप 1 लाख मांग लो तो 1 लाख दे देंगे, आप 10,000 मांगो तो 10,000 दे देंगे, आप फ्री में कभी नहीं बोलोगे ऑब्वियसली, बट आपके हिसाब से नहीं चलता, वो जस्ट देखते हैं आपकी वर्थ कितनी है, राइट. सो दे जस्ट वॉन्ट टू सी, बिकॉज उनके पास बजट होता है, वो देखते हैं कि भाई हमारे ये लेवल का बंदा है भी, ये कुछ ज्यादा लेवल का तो नहीं. ये नहीं है कि अगर मैं 15,000 देने का सोच रहा हूँ बट ये बंदा 30 एक्सपेक्ट कर रहा है, इसके पास एक्सपीरियंस इतना है कि 15,000 डिजर्व भी नहीं करता, राइट. तो दिस इज द रीजन व्हाई दे आस्क यू. सो इसमें भी बहुत क्वेश्चन है, बहुत टाइप ऑफ आंसर्स है, सॉरी, जिससे आप इसको बोल सकते हैं, राइट. तो फर्स्टली, सर, एज आई एम अ फ्रेशर, माई फर्स्ट प्रायोरिटी इज टू गेट अ जॉब. I will accept the salary as per your organization norms or as per your organization, you know, the level जो भी आप उसके हिसाब से देते हो or standards, right? You know better than me how much salary is to be given for a required post. So ये बड़ा smart answer है, आप उस पर डाल रहे हो कि भाई आपको पता है और तुझे पता है भाई तूने कितनी देनी है. So why are you asking me, right? मुझे अभी पहला job है तो I want to grasp this particular opportunity, right? Second is, sir, as sir or ma'am जो भी है, as a fresher my priority is to start my career, gain knowledge and experience. I don't give priority to the pay scale. I will happily accept the salary which is stated according to the norms of your company or which is stated as per the company standards. The third one, sir, as a fresher I don't have any priority to the pay scale because I know salary is the output of the work we do.
I will focus on the work or the task given to me or that are assigned to me with the clarity and within the time limit. And I will happily accept whatever the pay is given as per the company norms or as per the company standard. So इसमें आपको एक mention करना है as per the company standard. ये नहीं कि भाई जो देना दे दो. Because you also are something, you also have capabilities and which you are going to provide them for next coming 9 hours. हर दिन आपको 9 घंटे उस company में रहना है. So आप ये भी नहीं कह सकते भाई जितना देना दे दे. ऐसे नहीं कहना, बट आपको हमेशा एक वर्ड यूज करना है एज पर द कंपनी स्टैंडर्ड्स. उनको पता होना चाहिए कि भाई इसको पता है कि कंपनी के जो लेवल है, फॉर एग्जांपल अगर मैरिट में जॉब की है, इंफोसिस में जॉब की है, तो उसके हिसाब से, उसके लेवल के हिसाब से आपको उतना ही मिलेगा. उससे ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, उसे कम भी नहीं दे सकते, राइट. एंड ऑल्सो आपको ये भी नहीं बोलना, सेकेंडली यू डोंट हैव टू से दैट आई एम ओके विद व्हाट एवर यू गिव. सो दिस इज समथिंग ओके का भाई फ्री में काम कर लो. So, ऐसा पॉसिबल नहीं है, राइट. आप फ्री में नहीं करोगे आई गेस, राइट. सो प्लीज मुझे बता दीजिए कमेंट में, जो फ्री वाले हैं मैं उनके लिए वीडियो ना बनाऊं, राइट. सो प्लीज ऐसे नहीं बोला, ये चीजों का ध्यान रखिए, राइट. सो गाइस लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज व्हाट आर योर गोल्स, मींस व्हाट आर योर करियर गोल्स. आपके गोल्स क्या है, आपके शॉर्ट टर्म गोल्स एंड लॉन्ग टर्म गोल्स. सो गाइस इसमें आप दो तरीके के आंसर दे सकते हो. सेकंड इज ऑलवेज माय फेवरेट वन, जो मैंने हमेशा यूज किया है. तो गाइस आपको रटफिकेशन नहीं करना, अगेन आपको अपने अपने गोल्स बताने. ये नहीं अगर मैंने बोल दिया कि मैं आपको अगले 5 साल में अपने आपको इस ओहदे पर, इस डेजिग्नेशन पर देखना चाहता हूँ, डजंट मीन कि आप उसी ओहदे पर होना चाहते हो और आप उसी डेजिग्नेशन पर होना चाहते हो. गाइस ये आपका मेंटल लेवल, आपकी मेंटेलिटी चेक करता है, दिखाता है सॉरी, कि आप क्या बनना चाहते हैं और आपका गोल, आपका यू नो ड्रीम क्या है, राइट. सो अगर आप किसी और के हिसाब से चलोगे तो कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते. तो अपने हिसाब से करेक्ट ड्रीम्स, करेक्ट गोल्स बताने हैं कंपनी को, सो दैट दे कैन जज यू इजीली. सो फर्स्ट इज माय शॉर्ट टर्म गोल इज टू क्रैक दिस पर्टिकुलर इंटरव्यू. ऑब्वियसली आपकी फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो भी शॉर्ट गोल है कि आपको इस कंपनी में आना है, राइट. एंड माय लॉन्ग टर्म गोल इज टू बी सक्सेसफुल इन दिस पर्टिकुलर प्रोफेशन. जो भी आप प्रोफेशन में घुस रही हो, इट कुड बी होटल मैनेजमेंट, इट कुड बी केबिन क्रू, आपको उस जगह से सक्सेसफुल होके बाहर निकलना है जब भी आप निकले, राइट. सो दैट सेकंड टाइप ऑफ आंसर इज दैट माय गोल इज टू फ्री माय फैमिली फ्रॉम ऑल सॉर्ट ऑफ फाइनेंशियल बर्डन्स विद माय हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन. And also to be at such a position in your organization where you can't afford to lose me. So this tells you what confidence you hold and what type of you know mentality you keep. कि भाई मुझे ऐसी ओहदे पर आना है आपकी कंपनी में जहां पे आपको मुझे छोड़ना पॉसिबल ही ना हो, राइट. सो दिस इज द वे यू हैव टू स्पीक guys. सो आज के समाचार यही खत्म होते हैं. सो गाइज दिस इज ऑल फ्रॉम माई वीडियो. सो गाइज आई ट्राइड कवरिंग ऑल द क्वेश्चंस विच आर क्वाइट कॉमनली आस्क, जो पूछे जाते हैं हर इंटरव्यू, हर तरह के इंटरव्यू में, हर तरह की फील्ड में. एंड प्लीज ट्राई टू स्टिक टू योर यू नो आंसर जो आपको लगता है. कभी कभी आप आंसर जब रट्टाफिकेशन करके जाते हैं तो आप अपने दिल से नहीं बोलते, तो ट्राई कीजिए आप पॉइंट्स उठाइए. मैं ये नहीं बोलूंगा आप रट्टाफिकेशन करिए, हर चीज आपको स्क्रीन पर दिख जाएगी आराम से. एंड प्लीज ट्राई टू बी योर सेल्फ. सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो. आई होप यू लाइक इट, एंड इफ यू लाइक इट प्लीज गिव thumbs up and also do comment below to tell me how was the video. And also subscribe my channel because it gives me a lot of motivation. And guys neend bahut achhi aati hai mujhe, trust me. And nowadays aapko pata kitni garmi hai, see kitni mehnat karte hain hum, kabhi bhi AC band karke, pakha band karke, taki aapko koi you know disturbance na aaye. So I try my level best to make every and each and every video worth watching. And thank you so much for supporting and giving me a lot of love. And चलिए अब मिलते हैं अगली वीडियो में. टिल देन टेक केयर, शबा कर एंड गुड नाइट. बाय बाय गाइस.